नमस्कार डीटीएन प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। समीक्षात्मक बैठक में मामला लंबित रहने पर भड़के जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी बिरौल को मिली फटकार, तो बहादुरपुर, हनुमान नगर और सदर वीडियो से कारण परीक्षा। सिमरा निहालपुर पंचायत के लोगों द्वारा वोट बहिष्कार के निर्णय पर संज्ञान लिया जिलाधिकारी ने। जानकारी मांगी कि क्या है बाधा जो 50 वर्षों से सड़क नहीं बनी। सरकारी विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है जागरूकता रथ, लोगों की जुट रही भीड़। और पॉलिथीन बंद के बावजूद जारी है इसका प्रयोग, सख्ती के बाद ही लग सकता है इस पर पूर्ण विराम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट में IIT नीटीन इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th NTSE KVPY ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। सात फेरे पुलेसी मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, ब्राइडल मेकअप, वेडिंग केक इज ऑल्सो फैसिलिटीज अवेलेबल इन प्राइम लोकेशन नियर नेहरू स्टेशन, साउथ ऑफ जेल कैंपस, हाउसिंग कॉलोनी लहरिया सराय। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम कभी नहीं, 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास, अधिक मजबूत, एक साइज मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। सरकार प्रायोजित योजनाओं के समीक्षा के अधिकांश प्रखंड में लोक शिकायत निवारण के मामले लंबित मिले, इस पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अंचलाधिकारी बिरौल पर भी काफी नाराजगी जाहिर की। 11 मामले 60 दिन से अधिक समय बीतने पर भी निदान नहीं किया गया, इसका उन्होंने संज्ञान लिया। बहादुरपुर, हनुमान नगर तथा दरभंगा सदर वीडियो से भी उन्होंने कारण परीक्षा किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर सिंह सोमवार को समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे, जिसमें यह मामला उठा। सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं, अधिकारी भी काम करे, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में उक्त बातें कही। सबसे ज्यादा नाराज दिखे वे बिरौल के अंचलाधिकारी पर, यहां मामला काफी लंबित था। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें क्यों आ रही है। इसके अलावा उन्होंने 60 दिन से अधिक समय बीतने पर भी निदान नहीं किया गया, इस पर भी उन्होंने आक्रोश जाहिर किया। बहादुरपुर, हनुमान नगर तथा दरभंगा वीडियो से भी उन्होंने कारण परीक्षा किया कि आखिर इतना मामला लंबित क्यों है। तो डिस्पोजल होना है ना, बहादुरपुर वाला कहां है, वही दोनों पेपर है, पूरा बहादुरपुर और वो दोनों अतिक्रमण है। नहीं सर, ठीक है। सदर 11 अवधि कराए हैं, चाहे को कराए हैं सर, तो हमको तो लगता है सात को था तो तीन को रहना था, उसी हिसाब से चल रहे हैं सर, कर लेंगे सर, ले लेते हैं सर।
स्पेशल फिर जांच कराएंगे हम लोग, जस्टिफिकेशन लेके। नेक्स्ट आगे बढ़ा। सिमरा निहालपुर में सड़क निर्माण को लेकर आम जनों द्वारा वोट का बहिष्कार करने के मामले को पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। समीक्षात्मक बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में चल रही थी और मीडिया में आई खबरों के बाद उन्होंने इसका संज्ञान लिया और जानना चाहा कि क्या स्थिति है। मालूम रहे कि 60 के दशक में उप सड़क बागमती नदी के किनारे जो सिमरा निहालपुर पंचायत से सती स्थान तक आती है, वहाँ महाराजी पुल से सती स्थान तक की तो सड़क बन गई कई बार। पहले खड़ंजाकरण हुआ और उसके बाद ढलाई तक की सड़क बन गई, लेकिन उसके बाद वहाँ से जो NH 57 तक सिमरा निहालपुर होकर और एक रास्ता चतरिया को जाता है, वह सड़क लगातार मांग होने के बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सांसद से लेकर विधायकों तक का आक्रोश इस पर पनपा और अंततः सैकड़ों की संख्या में रविवार को सिमरा निहालपुर पंचायत में लोग जुटे और एक स्वर से सांसद विधायक प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी कर निर्णय लिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में यहां से कोई भी वोट नहीं डालेंगे। यह खबर आते ही प्रशासन हरकत में आया और जिला पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेकर जानना चाहा कि क्यों ऐसी स्थिति। रविवार को जब पंचायत भवन सिमरा निहालपुर में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और एक साथ आवाज बुलंद किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में वोट नहीं गिराने जाएंगे क्योंकि 50 वर्षों से 5 दशक से हमारी मांगे अनसुनी की जा रही है, सड़क जो NH 57 से लेकर सती स्थान तक है या यूं कहें सतियारा श्मशान तक है, वहां की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में आक्रोश सांसद विधायक और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी था। स्थानीय लोगों ने कहा कि कोई डिपार्टमेंट यह नहीं कह रहा है कि यह सड़क किसकी है और हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो हमने भी अब तय कर लिया है कि जब यह सड़क नहीं बनेगी, हम लोगों की सूद लेने वाला कोई नहीं है, तो हम भी लोकतंत्र में अपनी आवाज रखेंगे और वोट नहीं डालकर संज्ञान लाने की कोशिश करेंगे ताकि ऊपर के लोग जान पाए कि क्या है स्थिति, क्योंकि हम गुहार लगाएं तो किससे लगाएं। रविवार की इस खबर के बाद जब मीडिया में यह खबर आई तो उसके बाद साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जानना चाहा कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्यों 5 दशक से उक्त सड़कें नहीं बनी जबकि लगातार जिला में विकासात्मक काम किए जा रहे हैं, कई सड़कें बनी हैं। जिला पदाधिकारी ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से कहा कि वह पता लगाएं, क्योंकि वह जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, मतदान सर्वाधिक हो, अधिक से अधिक लोग वोट गिराएं, इसकी भी जिम्मेवारी है और ऐसे में अगर उनकी कोई जेन्यून सकारात्मक शिकायत है तो उसका निष्पादन होना चाहिए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि स्पष्ट करें कि उक्त सड़कें क्यों नहीं बनी, किस विभाग के अधीन है वह सड़कें और क्या है बाधा, या अगली बैठक में रखे, तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी। अब समझा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग सिमरा निहालपुर पंचायत में रविवार को जुटे, वह रंग लाया मीडिया की सुर्खियों के माध्यम से। जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कानों तक यह मामला गंभीर रूप से आया है। अब देखना है कि नीचे से किस तरह पदाधिकारी रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, शांतिपूर्वक आंदोलन किया, उसका परिणाम क्या आता है, लोकसभा चुनाव से पहले इस सड़क की तस्वीर बदलती है या फिर आश्वासन के फाइल में सिमटा नजर आता है। सत्येंद्र कुमार के साथ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से निकाली जन जागरूकता रथ दरभंगा टावर पहुंचा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच योजनाओं की जानकारी दी गई। मालूम रहे कि शनिवार को जिला पदाधिकारी ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था, विभिन्न जगहों पर इसका प्रदर्शन किया। सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना जनसंपर्क विभाग से निकाली जन जागरूकता रथ दरभंगा टावर पहुंची सोमवार को। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना, मुख्यमंत्री गली नाली पक्की सड़क योजना के साथ ही दहेज उन्मूलन से संबंधित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से निकाली गई है, जो कि लोगों को जागरूक करेगी। मालूम रहे कि शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने झंडी दिखाकर समाहरणालय से इसे रवाना किया। सरफराज आलम, BTN न्यूज। 26 जनवरी की तैयारी और इस तैयारी की समीक्षात्मक बैठक की जिला पदाधिकारी। 26 जनवरी पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। राष्ट्रीय ध्वज की सलामी तथा परेड की तैयारी की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की। सभी विभागों से निकाली जाने वाली झांकियों को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। महादलित टोले में ध्वजारोहण की तैयारी तथा चौक चौराहों की साफ सफाई, मरम्मती तथा रंग रोगन पर विस्तृत निर्देश दिए। पूर्व वर्ष की तरह इस बार भी प्रशासन बनाम नागरिक एकादश के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट उपलब्ध कराने की चर्चा की गई। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता मोहम्मद मोवीन अली अंसारी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि शंकर तिवारी, पुलिस विभाग, BMP, NCC, स्काउट के प्रतिनिधि तथा सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। पॉलिथीन पर रोक लगा दिया गया है। पिछले वर्ष दिसंबर से ही 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस पर जुर्माना भी है, लेकिन एक माह पूरा होने के बावजूद भी इस पर बंदी का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है और कई जगह खुलेआम सामान प्लास्टिक बैग में बेचा जा रहा है। 14 दिसंबर से पॉलिथीन पर प्रतिबंध है। पॉलिथीन का उपयोग, मोटा पॉलिथीन तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पतला पॉलिथीन जो हानिकारक है, चाहे वह जानवर उसे खा जाए या फिर नाला में जाम हो, उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जरा देखिए कि रोक कितना सही है। 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलिथीन पर रोक है, लेकिन धड़ल्ले से यहाँ आराम से सब्जी विक्रेता इसका उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम ने खूब प्रचार प्रसार किया, जिलाधिकारी ने भी इस पर सख्ती से काम करने का निर्देश दिया, लेकिन परिस्थिति क्या है आप देखिए खुद अपने आंखों से। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, दुकानदार हो या फिर ग्राहक। उपयोग किया जा रहा है जबकि बंदी इस पे कर दिया गया, क्या कहेंगे ये लोग? अभी भी पॉलिथीन का उपयोग किया है, हम लिए हैं तो क्या कहेंगे इसको लेके? कितना सफल मानते हैं जो प्रतिबंध के बावजूद? सफल नहीं है। अब बुजुर्ग की बात सुनिए, उन्होंने दिया हमने लिया, बीच में हम करें क्या? अब इस बूढ़ी को देख लीजिए, दंड लगना है तो इन्हें लगेगा या लेने वाले को? गोभी चपा था, फिर बैगन चपाए हो। गोभी कैसे? गोभी पन्नी चाहिए। अरे भैया बोलो ना, पन्नी चालू है। हां पन्नी चालू नहीं रहेगा तो सरकारी नियम कानून से बेखबर कि 5,000 जुर्माना है। दुकानदार कहते हैं पहले शिखर इत्यादि का पन्नी हटाइए, फिर आप यहाँ आइए।
नियम कानून को धत्ता बताते हुए इसे कहते हैं दुस्साहस का काम। न फाइन की चिंता, न प्रशासन का भय, और प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। यह मुख्य बाजार का हाल है। आप समझ सकते हैं कि अन्य जगहों की क्या स्थिति होगी। सब चला रहा तो हम भी चला रहे हैं, सब बेच रहा तो हम भी बेच रहे हैं। प्रतिबंध लगा दिया गया तो क्या आप सरकार मार्केट में भैया बिक रहा है तो भी ना बिक रहा वो पन्नी चलेगा जब तक। पॉलिथिन कहाँ से लाते हैं जो 50 मीटर के नीचे का प्रतिबंध लगा हुआ है, कहाँ मिलता है ये पॉलिथिन? अभी अभी भैया देखिए मिल नहीं रहा है, रखा हुआ है पहले का बचा हुआ, वही यूज हो रहा है, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिर्फ खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा, लोगों को जागरूक भी करना होगा, समझाना भी होगा और इसके दुष्परिणाम को बताने भी होंगे, तभी पूर्णतः रोक लग सकता है इस पॉलिथीन पर। सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से दशम तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों के योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावे। संस्थान सब बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतान की संपूर्ण जाँच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारोहट्टे चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के डॉक्टर रूही आसमी, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक, कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक पोस्ट ऑफिस के सामने, आयोजक माँ कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। समीक्षात्मक बैठक में मामला लंबित रहने पर भड़के जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी बिरौल को मिली फटकार, तो बहादुरपुर, हनुमान नगर और सदर वीडियो से कारण परीक्षा। सिमरा निहालपुर पंचायत के लोगों द्वारा वोट बहिष्कार के निर्णय पर संज्ञान लिया जिलाधिकारी ने, जानकारी मांगी कि क्या है बाधा जो 50 वर्षों से सड़क नहीं बनी। सरकारी विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है जागरूकता रथ, लोगों की जुट रही भीड़। और पॉलिथीन बंद के बावजूद जारी है इसका प्रयोग, सख्ती के बाद ही लग सकता है इस पर पूर्ण विराम। मल्लीपट्टी पंचायत के उत्तरी टोला 14वीं वित्त आयोग से बन रहे नाला निर्माण का कार्य ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया निर्माण चल रहा है और इन लोगों का कहना है कि 3 लाख की राशि से नाला निर्माण किया गया था, उसी नाला पर 2 ईंट जोड़कर निर्माण प्रारंभ कर दिया गया, यह पूर्णतः घोटाला है। उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने इस आरोप के बाद कहा कि इसकी जाँच कराई जाए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, 14वीं वित्त आयोग से बन रहा यह नाले की तस्वीर है। हायाघाट प्रखंड के मल्लीपट्टी पंचायत के रतनपुर गांव के उत्तरी टोला वार्ड नंबर 5 की यह तस्वीर है, जहां 14वीं वित्त आयोग से नाला का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने तत्काल इसे रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले निर्माण में घोटाला उजागर है। इससे पूर्व भी वर्ष 2015 में लगभग 3 लाख की राशि से निर्माण कार्य किया गया था और उसी नाले पर 2 ईंट जोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
लोगों ने इस पर रोक लगा दी है। 74,700 का योजना, ये आया रिपेयरिंग के लिए। नाला तो वर्तमान से ही बना हुआ है, पहले से ही रिपेयरिंग के लिए है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है रिपेयरिंग करिए, रिपेयरिंग करिए रिपेयरिंग के तरह अच्छा से। तो इन लोगों ने जिस दिन काम स्टार्ट किया गया तो उसमें 2-3 नंबर ईटा लगा रहे थे, हम लोगों ने रोका पहले। तो बोला कि BDO साहब आएंगे, जय साहब तो हम लोग बोलेंगे बात करेंगे, काम नहीं होने देंगे। तो बोले सरपंच पति साहब कि कोने दीजिए ना मिला जुला के, तो ईंटे में ना गड़बड़ी है, तो मिला जुला के होने दीजिए। हम लोग बोले नहीं। तो फिर जय साहब आए परसों और उनके कुछ असिस्टेंट भी थे, जो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ, ठीक ठाक मसाला दिया गया, मसाला उसाला सब। तो उसके बाद कल जो यहाँ जोड़ना चालू किए तो हम लोगों ने कहा 2-3 नंबर ईंटा हटाइए तो काम होने देंगे, और मटेरियल दीजिए 1 नंबर। तो बोले कि ठीक है। तो हम बोले कि आज काम नहीं होगा, ये ईंटा हटेगा। वार्ड मेंबर हमारे साथ थे 5 नंबर के, उनको पता भी नहीं है कि इस वार्ड में काम हो रहा है, इनको पूछा भी नहीं गया, चले गए। और BDO साहब का कहना था कि जय साहब रहेंगे उनके समक्ष ये काम होगा, और न जय साहब का पता है न किसी का पता है, जो मन में आ रहा है जैसे मन में आ रहा है अपना ढाल के निकाल रहे हैं। और हम लोग का यही कहना है कि 2 नंबर काम बंद कर दीजिए, 2 नंबर ईटा लग रहा है, 2 नंबर माल लग रहा है, जैसे मन आ रहा है वैसे काम कर रहे हैं। किस योजना से काम हो रहा है ये? शायद हो रहा है चतुर्थ की क्या है ऐसे कुछ है, योजना का तो उतनी जानकारी। कितने आकलन राशि है? 4,74,700। 2015 में इसका निर्माण हुआ जी, हाँ। समय में कितना क्या था? तो ये रहा 2,94,400 की राशि थी उसमें ये निर्माण हुआ था, और अभी जो इसको उड़ाही या क्या चीज़ का ये आया है उसमें 4,74,700 होगा। सीधा सारा जो है समझ में आ रहा है कि आधा से ज्यादा जो है घपले की बात। हालांकि इस घोटाले पर कहते हैं उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो की जांच कराई जाएगी। नहीं, गुणवत्ता से किसी तरह समझौता नहीं किया जाएगा, और ये बातें संज्ञान में आया है, हम लोग इसको जांच कराकर निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जो सही सीमेंट लगे सही ईंट लगे सही ढंग से काम हो। फिलहाल काम भी वहाँ रोक दिया गया है सर? नहीं, काम रोक दिया गया है, वो रोकने के बाद ग्रामीणों के द्वारा रुकवाया गया है काम। ठीक है, उसकी हम लोग नोट कर लेते हैं और उसकी जांच करा के कार्रवाई करें। कहाँ? प्रेम जीवर बताया गया, बहादुरपुर में। प्रेम जीवर वार्ड कितना? वार्ड नंबर 1। मनरेगा राशि गबन का खुलासा करना महंगा पड़ा मेरे पति को, यह गुहार लगाई जेल में बंद एक अभियुक्त की पत्नी ने SSP के पास। इनका कहना था कि मनरेगा राशि गबन करने का खुलासा वे लगातार कर रहे थे, और अंततः एक साजिश के तहत माफियाओं ने उन्हें ही एक शराब के मामले में फंसा दिया। इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और SSP से इस संदर्भ में उन्होंने गुहार लगाई। मनरेगा राशि गबन का खुलासा महंगा पड़ा, उल्टे मेरे पति को शराब कांड में फंसा दिया गया है, यह गुहार लगाते पहुंची पीड़ित की पत्नी SSP के पास और आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। तब भी गाड़ी में बलजोरी बैठा के पूछताछ करके हम छोड़ दे, अब थाना पर ले गया, कहा दारू को शो कर दिया। कौन? विजय महतो थाना। ये RTI कार्यकर्ता है, इनके द्वारा भ्रष्टाचार का उजागर किया गया, जो बहेरी प्रखंड में मनरेगा योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसमें लोकायुक्त कार्यालय से जांच हुआ है। जांच के क्रम में जो है वहां करीब उस पंचायत में 52 लाख रिकवरी का संभावना है, इसलिए दबाव दिया जा रहा था दयानंद महतो जी को कंप्रोमाइज करने के लिए, लोग नहीं माने तो लास्ट में साजिश के तहत थाना प्रभारी जो वहाँ के प्रभारी थाना अध्यक्ष हैं वो शराबी किस्म के हैं, और वो व्यक्ति जो है गलत लोगों से उनका संबंध है। ये लोग प्लानिंग करके तब जो है इनके दयानंद महतो जी के यहाँ 1 बजे रात्रि में गए कि दयानंद जी को उठा के ले गए कि वारंट है, और वारंट के नाम पर थाना पर लाया, थाना पर लाने का बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर थाना पर ही जो है वो अपना व्यवस्था किए हुए थे, और 19 बोतल दारू सो करके इनको जो है उत्पाद अधिनियम के तहत वो अभी शनिवार के शाम में भेजा गया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अपोलो डायग्नोस्टिक जांच घर की का उद्घाटन DMCH अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने किया, फीता काटकर बिलवागंज लहरिया से।
लहरियासराय के बेलवागंज में अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर जांच घर का उद्घाटन डीएमसीएच के अधीक्षक राज रंजन प्रसाद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मौजूद थे अपोलो डायग्नोस्टिक के तरफ से वीर विजय, रीजनल मैनेजर बिहार जोनल बिजनेस, एग्जीक्यूटिव बिहार झारखंड, मनजीत कुमार, सोनू कुमार, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। इस अवसर पर सिप्रा बोहरा ने मुख्य अतिथि राज रंजन प्रसाद को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं मौजूद थे श्याम शर्मा, नीरज खेरिया, राहुल बोहरा, चेतन सिंह। आज दरभंगा शहर में एक प्रतिष्ठान अपोलो डायग्नोस्टिक का आज स्थापित हुआ है, जो बड़ा ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय ये हमारे समाज के लिए है और इस जगह के लिए है, दरभंगा शहर के लिए है। यहाँ कलेक्शन लिया जाएगा, जितने भी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं और मैक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं, वह यहाँ कलेक्शन ले लिया जाएगा और इसकी जांच मुजफ्फरपुर में की जाएगी। वहाँ कुछ नहीं जांच होने पर पटना जाएगी, वहाँ से फिर हैदराबाद, लेकिन 90% जांच मुजफ्फरपुर तक में हो जाएगी। और ये अपोलो की अपनी ख्याति है और इन लोगों का बहुत ही अच्छा डायग्नोसिस होता है और रिपोर्ट्स भी भरोसेमंद होता है। हम लोग ऐसे भी भेजते हैं इन लोग सब जगह लोग, लेकिन दरभंगा शहर में अपोलो की सुविधा मिलना, अपोलो जांच की सुविधा मिलना भी एक बहुत ही उत्साहवर्धक कदम है इन लोगों का। और जो यहाँ जो इस्टेब्लिश की है माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिस सिप्रा बोहरा, तो मिसेस सिप्रा बोहरा तो वो यहाँ इस्टेब्लिश की है माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ से आपने सब कुछ किया है MSc BSc, इन्होंने कानपुर से किया है। और जब यह MLT भी यहाँ वेल एडुकेटेड हैं और यहाँ के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वेल एडुकेटेड है, तो ये बहुत अच्छा ही होगा। सब काम यहाँ पर सही से होगा, समुचित ढंग से होगा और इस जगह को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा कि आने वाले दिनों में इसके साथ एक लैब भी जुड़ जाए, जिससे कि जो मुजफ्फरपुर भेजना पड़ता है वो हो जाए यहाँ भी। तो और दूसरी बात है कि इसका थोड़ा और भी विकास हो, लैब खुले और मैं इसकी अग्रेतर बढ़ोतरी के लिए मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी यहाँ के नागरिक हैं वो यहाँ पर जांच करवाएं, क्योंकि सही जांच होगा तभी सही स्वास्थ्य रहेगा। सही जांच के बिना सही स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करूँगा कि सब सहयोग करें और यहाँ पर आए। एक बार सीनियर सिटीजन पे यहाँ पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, अपोलो ट्रिपल ए क्वालिटी है और सस्ते मूल्य पर सब यहाँ पर जांच किया जाता है, अच्छी जांच की जाती है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव का शुभारंभ 1 फरवरी को होगा, 1, 2 और 3 फरवरी को 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। MLSM कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सीनेट एवं एकेडमिक काउंसिल सदस्य डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी ने MIT विश्वविद्यालय पटना में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में पावर पॉइंट तकनीक के द्वारा क्रिएटिविटी इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिकल अप्रोचेज नामक शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंसारी ने एक तकनीकी सत्र की भी अध्यक्षता की, जिसके लिए उन्हें MIT विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। इसके साथ ही उन्हें विशिष्ट अतिथि स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर अंसारी की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा सहित महाविद्यालय के डॉक्टर विभूति शेखर लाल दास, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, डॉक्टर माधव चौधरी, डॉक्टर कालिदास झा सहित अन्य शिक्षकों ने बधाई दी है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। समीक्षात्मक बैठक में मामला लंबित रहने पर भड़के जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी बिरौल को मिली फटकार, तो बहादुरपुर, हनुमान नगर और सदर वीडियो से कारण परीक्षा। सिमरा निहालपुर पंचायत के लोगों द्वारा वोट बहिष्कार के निर्णय पर संज्ञान लिया जिलाधिकारी ने, जानकारी मांगी कि क्या है बाधा जो 50 वर्षों से सड़क नहीं बनी।
सरकारी विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है जागरूकता रथ, लोगों की जुट रही भीड़। और पॉलिथीन बंद के बावजूद जारी है इसका प्रयोग, सख्ती के बाद ही लग सकता है इस पर पूर्ण विराम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।